टीकमगढ़ शहर के पुष्पा स्कूल में प्रभु यीशु का जन्म उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए सेंटा क्लॉज की आकर्षक झांकियों को सजाया गया। फादर अगस्टिन पी ने बताया कि क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म के अनुयायियों बड़े धूमधाम से यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा और खुशी का त्यौहार है। इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां पहले से ही होने लगती है। क्रिसमस के दिन घरों को साफ स्वच्छ कर रंग बिरंगी लाइटों से अपने घरों को आकर्षक ढंग से सजाते हैं। क्रिसमस के दिन स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनाकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सेंटा क्लॉज का रूप धारण कर व्यक्ति अपने बच्चों को टॉफियां उपहार बांटते नजर आए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। फादर बताएं, जो आज का आपका प्रोग्राम हुआ है, किस उद्देश्य? आज पूरे दुनिया में क्रिसमस मनाए जाते हैं। क्रिसमस का मतलब है ईश्वर ने इस धरती पर मानव का रूप धारण कर मनुष्य के बीच में उपस्थित हुआ है, जन्म लिए हैं, जिसका नाम है ईसा मसीह एम्मानुएल, जिसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर ने मानव के रूप में मानव रूप धारण करके हमारे साथ हमारे बीच में रहने अवतरित हुआ है और सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की स्तुति और आराधना गाते हुए स्वर्ग दूतगण करते हैं और पृथ्वी पर सभी मानवों को जो ईश्वर की कृपा पात्र हैं उनको शांति खुशी आनंद प्रदान करते हैं। हम जानते हैं ईसा मसीह इस धरती पर मानव के रूप में अवतरित इसलिए किया कि पूरे मानव जाति की मुक्ति के लिए, पावमय जीवन से मुक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित हुआ है। और हम जानते हैं ईश्वर ने हर व्यक्ति को इस धरती पर सृष्टि किया तो हमारा मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना हर मानव का कर्तव्य और जीवन का आखिरी मकसद भी है। मानव अपने ईश्वर से पापों के द्वारा ईश्वर से दूर हो गया है, अलग हो गया है, तो हर मानव को या मानव जाति को, मानव कुल को पामय जीवन से उत्थान करके स्वर्गराज में ले जाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए मानव के रूप में हमारे बीच में जन्म लिया है, वही ईसा मसीह है। ईसा मसीह इस उपलक्ष्य में पूरे मानव जाति को खुशी आनंद और शांति प्रदान करते हैं। हम सबके लिए ईश्वर की अनुग्रह से हम लोग भरपूर करना हमारा कर्तव्य है। हर मानव का धर्म यही होती है, सद्गुणों से भरे, ईश्वरीय गुणों से भरे एक जीवन बिताए, अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों को उतार के मानवों के बीच में, समाज में एक दूसरे से प्यार, शांति और आनंद के साथ एक दूसरे को मदद करते हुए एक दूसरे को उत्थान के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाना, जिसने हमको मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि मसीह ने, ईसा मसीह ने अपने आप को बलि चढ़ा के हम सबको मुक्ति प्रदान की गई है। आप सबों को इस क्रिसमस अवसर पर सभी प्रकार का आनंद का, खुशी का, शांति का हम शुभकामनाएं अदा करता हूँ। ईश्वर सभी को आशीर्वादों से भरपूर करे। हम मानव आपस में एकता, प्रेम, भाईचारा, दया, करुणा, क्षमा के इस सद्गुणों को अपनाते हुए एक अच्छा समाज, शांति जीवन बिताने के लिए ईश्वर आप सबको आशीर्वादों से भरपूर करे। हम जानते हैं हर धर्म में ईश्वर का जो रक्षक आने वाला है उसके बारे में जिक्र किया गया है। वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद में इसके बारे में, जो मसीह के जन्म के बारे में साफ साफ अवतरित किया गया है, जो भी पढ़ चुके हैं उनको उसका पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबों को नया साल का मुबारक। ईश्वर आप सबों को एक मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन, आनंद का जीवन ईश्वर प्रदान करे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।